क्योंकि एकदम से अगर उनके सामने जाएंगे तो हो सकता है कि बहुत ज्यादा रिएक्ट ना करें, और उनकी बेटी अगर झुककर उनके सामने आशीर्वाद मांगेगी तो आशीर्वाद तो देना पड़ेगा उनको। अभी ने डॉक्टर सिमरन से शादी कर ली है। इतना बड़ा फैसला अपनी जिंदगी बर्बाद कर डाली। सिमरन से कोई नहीं मिलेगा, खुद गई है वो ये घर छोड़कर, और खुद ही उसे लौट कर आना भी होगा। पापा, हम आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। मेरे पास सिमरन, बेटा तूने शादी कर ली? हाँ, वो एक्चुअली सॉरी, हम लोगों ने जल्दबाजी में डिसाइड किया, एंड आज सुबह हम लोगों ने कोर्ट मैरिज कर ली। अब क्यों आई हो यहाँ? पापा, आपकी सिमरन आपका आशीर्वाद लेने आई है। मेरी सिमरन अपने पापा को पता है बगैर शादी नहीं करती। पापा, मैंने आपसे कहा था कि मैं अभिमन्यु से शादी करना चाहती हूँ। चीफ सेक्रेटरी सौरभ माथुर की बेटी एक मामूली से फोटोग्राफर से शादी करे, हो ही नहीं सकती। जिसके लिए मैंने बड़े बड़े रिश्ते चुका दिए, कोई ऐरा गहरा उसके सामने भटकने नहीं दिया। डॉक्टर सिमरन माथुर, जिसकी तारीफ करते करते ये जुबान कभी थकी नहीं, वो आज यहां मेरे सामने खड़ी है ऐसे भिखारियों की तरह। बैठ, मैं नहीं पहचानता तो है, आप लोग कोई पहचानते हैं? क्या ये सिमरन है मेरी बेटी? इज शी माई डॉटर? पापा प्लीज, मैंने शादी तो की है, बस सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। मेरी बेटी घर छोड़कर जा चुकी है। आई हैव लॉस्ट माय डॉटर। माँ, आप ही प्लीज समझाइए ना पापा को। पद्मा, से कह दो कि यहां से चली जाए। देखिए, आपकी बेटी सिमरन आपसे सिर्फ आशीर्वाद मांग रही है। तुम चुप रहो। पापा, कह दो इससे कि चली जाए, वरना एक दुखी मन सिर्फ श्राप ही दे सकता है। मुझे मजबूर मत करें कि क्या कह रहे हैं आप, चुप हो जाइए। मामा प्लीज, मामा इस वक्त तुम यहां से चले जाओ, प्लीज चले जाओ मामा, प्लीज जाओ। सिमरन, तुम जाओ यहां से, वरना अच्छा नहीं होगा। सौरभ बहुत गुस्से में है। बुआ जी प्लीज, अभी प्लीज, नहीं बुआ जी प्लीज, बुआ जी प्लीज। तुम्हारे पापा रोज इसी फर्श पे चलते हैं ना, उनके कदम रोज इस फर्श पे पड़ते हैं, उसको छू लो तो मैं आशीर्वाद दे जाएगा। नहीं, अभी नहीं। सिमरन चलो प्लीज, अभी Thank you.
सिमरन मैं सॉरी नहीं कहूंगा, हमें पता था ये तो होने ही वाला है, और हमने कोशिश तो की पापा को मनाने की। What if we didn't succeed? हम दोबारा कोशिश करेंगे किसी और तरह से। कोई फायदा नहीं, नहीं मानेंगे वो। सिमरन ऐसा लग रहा है, बट आई एम श्योर वो मान जाएंगे। देखो हमने तो कुछ गलत नहीं किया ना, हमें उनसे मिलने जाना चाहिए था, हम लोग गए, सो आवर डिसीजन वाज राइट। ओके तो ठीक है, हमने अपना फर्ज निभाया। देखो अगर हम नहीं जाते तो उनको ज्यादा दुख होता। अब सिमरन ऐसे रो मत प्लीज, लड़की विदा होती है तो रोती हुई अच्छी लगती है, उसके बाद मेकअप खराब होने लगता है। रिलैक्स। देखो आई थिंक योर फादर लव्स यू टू मच, ज्यादा दिन तक तो गुस्सा रह नहीं पाएंगे, और अच्छा है आज उन्होंने अपना सारा गुस्सा निकाल दिया। मैं अपने पापा को जानती हूँ, अभी उनका गुस्सा देखा है मैंने, मुझे सिर्फ इस बात का डर है अभी कि वो कहीं कुछ करना बैठे। नहीं दीदी नहीं, मैं नहीं मानता इस शादी को, कैसे हो सकता है ये, अभी कल ही तो घर से गई है और आज शादी भी हो गई। आप जानते हैं एक महीने का नोटिस देना पड़ता है कोर्ट में, रजिस्ट्रार ऑफिस में जिसने भी ये धांधली की है छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। उसे पकड़ कर क्या हासिल होगा? क्योंकि ये शादी गलत गैर कानूनी है, उनकी शादी को कोर्ट में मैं नल एंड वॉइड डिक्लेयर करवा दूंगा। जैसी भी हुई शादी तो हो गई है ना, अब सही गलत जानकर क्या होगा? झूठे लोग, झूठे बात को धोखा देकर शादी करने का नाटक कर रहे हैं, उन सबकी पोल खोलकर सामने न रख दी तो देख लेना। हो सकता है उन्होंने एक महीने पहले का नोटिस दिया। देन नहीं फूफा जी, एक महीने पहले का नोटिस कैसे दे सकते हैं, सिमरन दीदी अभिमन्यु से मेरी शादी के दौरान ही मिली है, और उसके कुछ दिन बाद ही उसने प्रपोज किया है उसे, सिमरन हमें धोखा नहीं दे सकती। अगर आज ये शादी वाकई कोर्ट में जाकर हुई है ना, तो ये शादी एक बहुत बड़ा फरेब है हमारे साथ। सिमरन ने तो जो करना था सो कर लिया, आज जिस तरह से उस लड़के के साथ मांग में सिंदूर भर के मेरे सामने आई है ना वो, और जो थप्पड़ मारा है मेरे चेहरे पर, देखना देखना मैं क्या करता हूं उसके साथ। जिस सिमरन के लिए सौरभ सबके सामने सीना चौड़ा करके घूमते थे, कोई छोटी सी बात भी कह दे तो वो लड़ पड़ते थे, आप उसे सिमरन को बर्बाद करना चाहते हैं। हम जिसको बहुत चाहते हैं ना, उसी की दी हुई चोट कहीं ज्यादा लगती है। सौरभ फिर को आज बहुत चोट पहुंची है। मेरी सिमरन से इस तरह शादी होगी मैंने सोचा भी नहीं था, कितनी उम्मीदें थी मुझे, हम तो सोचते थे कि उसके नसीब में कोई खास लड़का ही होगा, उसके मुकाबले का कोई हमारी नजरों में टिकता भी नहीं था। मैं तो सोचती थी कि सिमरन की कामयाबी का जो फक्र हमें हुआ है, सौरभ उसकी ऐसी शादी कराएंगे जो दुनिया देखेगी, लेकिन मेरी बेटी की ये कैसी शादी जहां बाप उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। अब इस घर में सिमरन के लिए कोई रोएगा नहीं और ना ही उसका नाम लेगा, ठीक है समझ लो तुम लोग। आप अपनी शादी के बारे में बताइए ना कुछ। भाई हमारी शादी के लिए तो सभी राजी थे, दोनों फैमिलीज, बस इन्होंने ही जरा देर लगा दी, पूरा एक साल लिया हाँ करने के लिए। हमने सोचना तो दूर, शादी करने में एक महीना नहीं लगाया। यू आर लकी कि सिमरन ने तुम्हें एक साल तक टाल कर नहीं रखा। अगर इतना सोचकर भी हाँ ही बोलना था तो मैं तो पहले ही बोल दिया होता ना। नहीं मैं तो ये मानता हूँ कि पहली बार जो दिल से आवाज निकलती है उसको सुन लेना चाहिए मेरे को, पर इनका दिल तो कहीं और था ना।
ना, कोई सीरियस केस था क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। ये स्टाइल होता है बीवियों का, खाना जब ऐसी ऑर्डिनरी सा बना हो तो किससे ही चटपटे पेश कर दो। ऑर्डिनरी? मैंने तो इतने अच्छे कोफ्ते कभी नहीं खाए। थैंक यू सो मच। वो मानस ने इंसिस्ट किया था सिमरन को कोफ्ते बहुत पसंद है ना, तो जरूर बनाना। रियली? मेरे घर से। हेलो दीदी, कैसी हैं आप? रश्मि, रश्मि घर में सब? हाउस पापा। व्हाट इज दिस दीदी, कम से कम मुझे तो बता दिया होता कि आप शादी कर रही हैं। मैं किसी तरह यहाँ सबको मनाने की कोशिश तो करती। अगर चाहे तो वो भी मान सकते हैं रश्मि। दीदी एक फोन कर दिया होता। मैं तुझे परेशान नहीं करना चाहती थी। दीदी मैं पापा से छुपकर आपको फोन कर रही हूँ। इस वक्त यहाँ सब लोग बहुत नाराज हैं और पापा तो ये भी कह रहे हैं कि वो आपकी शादी को कभी नहीं मानेंगे। दीदी मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। अच्छा सुन, माँ पापा का ख्याल रखना। दीदी हम लोग यहाँ हैं, आप परेशान मत होइए और आप अपना ख्याल रखिए। कुछ भी जरूरत हो तो आप प्लीज हमें फोन कर दीजिएगा। क्या हुआ, सब ठीक तो है? रश्मि का फोन था, कह रही थी पापा बहुत गुस्से में हैं और ये शादी कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। What nonsense? क्यों, कोई जबरदस्ती है क्या कि सभी लोग इस शादी को एक्सेप्ट करें? नहीं जबरदस्ती तो नहीं है, लेकिन अब जो शादी हो चुकी है उसके लिए ड्रामा कहाँ तक ठीक है। वो उनके पापा है, उनका रिएक्शन तो स्ट्रॉन्ग होगा ही। हाँ हमारे जैसों का माइल्ड हो सकता है। वैसे आप क्या सोचती हैं हमारी शादी के बारे में? मैं एक ट्रेडिशनल सोच की लड़की हूँ और मुझे लगता है कि... अरे यार तुम ही कमाल करती हो, हम लोग भूल गए बात बात में। इनके लिए मैं गिफ्ट लेके आया हूँ, देना नहीं है ये? गिफ्ट? हाँ देखो अंदर पड़ा है ड्रॉर में एक एनवलप, उसे ले आओ। एनवलप? हाँ इट्स अ सरप्राइज गिफ्ट, तुम लेके आओ और अपने हाथों से दो इनको। एक्सक्यूज मी, मानस से सब की क्या जरूरत है? देखो तो क्या हो रहा है। दो तुम दो। मानस व्हाट इज दिस? ये ग्रैंड होटल की एक सूट का बुकिंग है, आप लोगों की सुहागरात हमारी तरफ से। That's very thoughtful of you. Thanks a lot. You're welcome. वैसे मैंने तो बुकिंग एक ही रात का किया है, लेकिन आप लोग चाहें तो ज्यादा दिन वहां पे रुक सकते हैं। शादी के ये पहले दो चार दिन बहुत यादगार होते हैं। So just be together and enjoy. Yeah. Thanks once again. You're welcome. Oh yeah. Huh? Huh? Thanks, Manas. Thanks, Sugila. All right. Thank you. Chalo, chalo. Okay, Manas. Thanks again. Bye. 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 Gift तो वाकई बहुत अच्छा दिया है तुमने. So very thoughtful. बीवी से सलाह लेना तो दूर, उसे बताया भी नहीं कि गिफ्ट भी दे रहे हैं। यही है मेरी कदर? क्या कदर करूं मैं तुम्हारी? हाँ आज क्या क्या नहीं किया तुमने इन लोगों के सामने, कितनी छोटी हरकतों में उतर आती हो कभी कभी। क्या इज्जत रख ली खुद की तुमने, किसी को ठीक से सर्व नहीं किया, ऊपर से मेरे और सिमरन के बारे में। क्या गलत कहा तुम्हारे और सिमरन के बारे में मैंने? क्या बात करूं तुमसे, जाने दो। सिर्फ इतना बता दो कि तुम्हारा वो गिफ्ट कितने का है। क्या मतलब है? कुछ नहीं कहूंगी, बताओ कितने का है वो गिफ्ट। कुछ नहीं कहूंगी मतलब क्या है? एक सूट बुक किया ग्रैंड होटल में, उसकी कीमत है 10,000 रुपए एक रात की। 10,000? और वो लोग जितने दिन चाहे उतने दिन वहां रह सकते हैं, राइट? नो वंडर
इसीलिए तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम अपनी खास दोस्त को उसकी सुहाग रात पर क्या गिफ्ट दे रहे हो। बेशर्मी का इतना महंगा तोहफा। और शाला बोल मिला। Nice place. बहुत tastefully सजाया है। Good. अच्छे दोस्त है तुम्हारे मानस, डॉक्टर मानस, हाँ? बहुत अच्छे इंसान। हाँ, बहुत ज्यादा इमोशनल भी है। तो मुझे ऐसा क्यों लगता है कि उनकी जो पत्नी है ना, उर्मिला, वो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद नहीं करती है। क्यों? हम ये बातें डिस्कस करने आए हैं यार। नहीं, ये मैंने तुम्हें कहा था कि अगर इंसान दिल से किसी चीज को चाहे तो उसे हासिल कर सकता है। आज हम दोनों साथ में हैं, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। तुम जानते हो मैंने तुमसे क्या पाया? क्या? प्यार। प्यार करना तुम्हीं से सीखा है मैंने, सच्ची। तुमसे पहले बस काम ही मेरी पूरी जिंदगी थी, लेकिन जब से तुम आए हो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई है। अगर तुम ना आते ना तो जिंदगी यूं मेरी आंखों के सामने से निकल जाती और मुझे पता ही नहीं चलता। और जब से तुम मुझे मिली हो मैं आसमान छू लेना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के सबसे आगे निकल जाना चाहता हूँ। और देखना ऐसा ही होगा, I promise। अभी आज से तुम्हारी हर एम्बिशन मेरी एम्बिशन है। मैं तुम्हें एक बहुत सक्सेसफुल आर्टिस्ट देखना चाहती हूँ। तुम्हारे काम की पूरी दुनिया में कदर हो, यही मेरा सपना है। मैंने जितनी सक्सेस पाई है ना, उससे कई ज्यादा सक्सेस तुम्हें हासिल हो। तुम्हारा सपना अब मेरा सपना है, आज से, अभी से। I love you. Not as much as I do. मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस घर का माहौल कैसे ठीक करूं। सौरभ कहाँ है? सो रहे हैं। अभी तक आपने उसे उठाया नहीं? सच पूछिए तो सारी रात जागे हैं, इस वक्त भी जाग रहे हैं, लेकिन बिस्तर से नहीं उठ रहे। मैंने उनसे कितना कहा कि बाहर आके चाय पी लो सबके साथ, लेकिन वो उल्टा मुझ पर नाराज होने लग गए। आजकल वो ना किसी से मिलते हैं और ना ही फोन उठाते हैं। Oh my God! क्या हुआ? तो सिमरन विवाह बंधन होगा। मशहूर डॉक्टर सिमरन ने आखिरकार शादी कर ही ली, लेकिन उल्लेखनीय बात यह है कि यहाँ भी उन्होंने अपने से 10 साल छोटे युवक अभिमन्यु से विवाह करके एक असाधारण कदम उठाया है। उनके पिता मुख्य सचिव श्री सौरभ माथुर के घर से कोई भी इस खबर की पुष्टि नहीं कर रहा है। कोर्ट में डॉक्टर सिमरन के परिवार से कोई भी उनके साथ नहीं था। शादी के गवाहों में से सिर्फ उनके मित्र डॉक्टर मानस अपनी पत्नी के साथ मौजूद थे। कहा जाता है, बस इससे पहले कि सौरभ इसे पढ़ ले मैं इसे फेंक देती हूँ।